हिंदी है हमारी राजभाषा, करना है इसका सम्मान। कि हिंदी है हमारी राजभाषा, करना है इसका सम्मान। गर्व से कहो हिंदी है हम, और हिंदुस्तान है हमारी पहचान। हिंदुस्तान है हमारी पहचान, सम्मान है। शब्द नाद लिपि से आगे एक भरोसा अनुभव है। सुप्रभात, मैं सुमन शर्मा, राजकीय महाविद्यालय नाहन की छात्रा, आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, उस विषय का शीर्षक है वर्तमान युग की चुनौतियाँ और हिंदी भाषा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विशेष अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने का मौका मिला। कि भाषा, भाषा ही मनुष्य समाज की वह कसौटी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भाव, संवेदना को दूसरों तक लिखित या मौखिक रूप में प्रेषित करता है। हिंदी भाषा की परंपरा प्राचीन है। आज जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वह मुख्य संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान में खड़ी बोली है। वैसे कहा जाए तो हिंदी हमारे विशाल राष्ट्र की प्राण शक्ति और धरोहर है। उसका विराट चिंतन आकाश की तरह व्यापक, पवन की तरह उन्मुक्त, सागर की तरह अघात और धरती की तरह सप्रशील एवं सर्वमंगल का है। हिंदी भारतीय भाषा होने के साथ साथ संपूर्ण मानवता की संवेदना लिए हुए है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारतीय भाषा के माध्यम से नए कीर्तिमान स्थापित किया है, और आज हिंदी ने इंटरनेट से जुड़कर भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखा है। लेकिन विडंबना तो यह है कि वर्तमान में हिंदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा तो घोषित किया गया, लेकिन क्या सभी राजकीय कार्य हिंदी में हो रहे हैं? ये यक्ष प्रश्न अभी तक बना हुआ है। गौर करें कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी, बना के राज की भाषा। बहुत अच्छा किया तुमने कि बना के राज की भाषा, बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से उसको, बहुत कच्चा किया तुमने। आज हिंदी के समक्ष आंतरिक तथा बाह्य अनेकों समस्याएं हैं। हम देखते हैं कि आज हिंदी साहित्य पाठकों की कमी की समस्या से जूझ रहा है, और आज का युवा दिन प्रतिदिन हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति विमुख होता जा रहा है। हिंदी शिक्षण की कक्षाओं में छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी में पढ़ाई करने से उन्हें कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करें वर्तमान दौर के वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति की तरह तरह की घटनाओं ने जिस प्रकार मनुष्य समाज को प्रभावित किया है, उसी प्रकार उसके सामने कई चुनौतियां व संभावनाएं भी पैदा की है। बाजारवाद से संस्कृति, भाषा, रहन सहन, पहनावा, शास्त्र, सबके रंग ढंग ही बदल गए हैं। व्यक्ति अपने ही दुनिया में इतना अनजान सा दिखने लगा है कि उसको ना तो अपनी चिंता है, ना घर में बैठकर अपने परिवार की चिंता है। आज के बाजार युग ने भाषा को भी वस्तु को बेचने का एक माध्यम बना दिया है। वहीं अगर देखें तो हिंदी भाषी मनुष्य समाज की रोजगार की चुनौती एक मुख्य समस्या है। लेकिन चुनौतियां कभी सभी क्षेत्र में होती है, लेकिन हिंदी अब अनेकों क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जिसे उसे रोजगार ही नहीं बल्कि नए नए आयाम व आधार स्तंभ भी मिलेंगे। गर्व की बात तो यह है कि चुनौतियों, घटनाओं, समस्याओं के बीच हिंदी ने अपना अलग रास्ता निकाला और अपना स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ, प्रतिबद्ध स्वरूप खड़ा किया। अब अकादमिक तौर पर वह समय भी आ गया है जब हिंदी को उपसर्ग प्रत्ययों से परिभाषित बनाने की बजाय लोक प्रचलन के निकट की शब्दावली को चुना जाए। व्यापार में हिंदी ढल कर आए या हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गीतों, नृत्यों के माध्यम से, पर वह सभी के हृदय में अपना स्थान बनाए। अंततः यही कहना चाहूंगी कि आज ये संस्कृति पुत्री केवल बाजार या भौतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भूमंडल में विश्व मंच पर भारतीय संस्कृति की नैतिकता को दर्शा रही है। चंद पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ कि हिंदी है हमारी राजभाषा, करना है इसका सम्मान। कि हिंदी है हमारी राजभाषा, करना है इसका सम्मान।